हेलो क्लास एट, मैं हूँ रोहित तिवारी। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। तो हम लोगों ने इस बात को समझा कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्लाउड्स क्या होते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और क्या आगे क्या है। तो अगला ये टाइप बता रहे हैं कि ह्यूमिडिटी दो तरह की है। द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट वेज। तो पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नियर कोस्टल एरिया इज हायर देन एयर इन द इंटीरियर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इन द इक्वेटोरियल एरियाज वेयर इट रिड्यूस सो एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर अर्थ एंड द सीजन आल्सो इफेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके, पहले तो ह्यूमिडिटी आपने समझा ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, कि कितना वाटर वेपर वायु में है, एटमोसफियर में है, जो वायुमंडल में है। तो इट्स अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, ये तो ह्यूमिडिटी हो गई। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी इन द एयर इज ड्यू टू द वेरियस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द लैंड एंड वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसको हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिविटी में। तो अभी हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। जो एक्चुअल अमाउंट है हमारे का, जो एटमोसफियर में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, इसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर व्हिच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, डिफर करती है, काफी सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। सीधी सी बात, पहला पॉइंट आया इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। यानी जैसे जैसे आप पोल्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ह्यूमिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। और इसका उल्टा, पोल से इक्वेटर आएंगे होगी, इंक्रीज होगी। तो पोल्स मान ली, यहाँ पे पोल्स है, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो कम हो रही है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या होगी? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये टेम्परेचर से इसका कोई मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डजंट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर। द चेंज इन टेम्परेचर एक्चुअली चेंजेस द कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू होल्ड मॉइस्चर, नॉट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि टेम्परेचर जो भी हो रहा है सनलाइट की वजह से, वो उसकी कैपेसिटी को चेंज करता है कि एयर कितनी मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है मॉइस्चर का, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो एक्चुअल अमाउंट है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नेवर चेंज विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई? सीधी बात, नो बकवास। व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर व्हाट एवर इन अ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स डिक्रीज, पोल्स टू इक्वेटर इंक्रीज, एंड टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट इट। करेक्ट इट, ठीक है, करेक्ट है ना? अगला टॉपिक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे तो एक फार्मूला दिया हुआ है, अब इसका फार्मूला क्या है? तो कह रहे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फार्मूला है, पहले तो एच यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को लिखो, फिर नीचे वीएचसी लिख दो, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, या मैक्सिमम होल्ड कैपेसिटी क्या है, मल्टीप्लाई विद 100। तो देखते क्या बता रहे हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इट कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द अमाउंट नीडेड फॉर सेचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम वैल्यू, इट इज एक्सप्रेस इन परसेंट। अब मेरे हिसाब से इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको फॉर्मूले से ही इसकी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि इट्स अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल ह्यूमिडिटी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या होता है एटमॉस्फेयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इट्स अ रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड वेपर होल्डिंग कैपेसिटी।
तो और थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रिलेटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वाटर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द मैक्स कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट द टेम्परेचर। यानी ये सेचुरेशन पॉइंट है नीचे वाला, तो सेचुरेशन पॉइंट और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे, ठीक है। और ये हमेशा परसेंटेज में ही डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्रेस करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर वाइस वर्सा। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगी, ये बढ़ेगी। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, ठीक है। पहले वाले में टेम्परेचर से मतलब नहीं था, यहाँ मतलब है, और दोनों आर एच और टेम्परेचर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो रिलेटिविटी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा तो वो बढ़ेगी, ठीक है, वाइस वर्सा हो गया। अब ऐसा समझ लो, व्हेन द कैपेसिटी ऑफ द एयर इज टू होल्ड मॉइस्चर एंड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज द सेम, द एयर इज सेट टू बी सैचुरेटेड, ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%। 100% कब होगी, जब ये भी सेम है और ये भी, तो 100% हो जाएगी। यानी जितनी मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी सेम है और जितनी वो कर सकता है वो भी सेम हो गई, तो आर एच 100% हो गई। यानी आर एच अपना 100% देगा। आप जैसे अभी अपने, हम सभी अपने ब्रेन का कोई 3% यूज करता है, कोई 6% यूज करता है। स्वामी विवेकानंद और आइंस्टीन ने 1% से ज्यादा ब्रेन यूज किया था। तो हमें से कोई भी अपना 100% नहीं देता, ना कोई दे सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर सकता है तो फिर वो महान हो जाएगा 100%। तो 100% आप अपने ब्रेन का यूज कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आपका आर एच कितना हो गया, 100 हो गया। तो अभी किसी का भी आई क्यू लेवल या आर एच 100 नहीं होता है, क्योंकि इट्स वेरी आइडियल पोजिशन। तो अभी आर एच कब होगा 100, जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और हमारा नीचे वाला जो है इसको हम कहेंगे जो मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड मॉइस्चर करने की, दोनों सेम हो जाएंगी, तब इट इज सेट टू बी सैचुरेटेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, ठीक है। तो 100% होना इजी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक फन एग्जांपल दिया कि हम में से कोई भी अपने ब्रेन का 100% यूज नहीं करता, और कोई करेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद और आइंस्टीन ने थोड़ा बहुत किया 6% से ज्यादा, तो उसका ब्रेन बहुत डेवलप हो जाएगा, बहुत नॉलेजेबल हो जाएगा, महामानव हो जाएगा। ओके चलो इस फन में आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, इन विच सीजन ह्यूमिडिटी जनरली मोर, हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑब्जर्व लो ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द फूड मटेरियल एट अवर होम, इज अ रिलेशन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ फंगी एंड ह्यूमिडिटी, फंगस सॉरी नॉट फंगी इट्स फंगस, सो फंगस एंड ह्यूमिडिटी, हाउ इज रिलेटेड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है रेनी सीजन के टाइम पे ज्यादातर, ठीक है, और ह्यूमिडिटी से क्या होता है, कपड़े देर में सूखेंगे। दूसरा, फंगस इन्फेक्शन भी इसी समय ज्यादा होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ एग्जाम, एक इन्होंने कुछ एक्टिविटी दी है कि प्रेशर कुकर का कुछ कर रहे हैं, टेक अ वाटर इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर पानी लिया, टेक अप द विसल ऑफ द प्रेशर कुकर, नाउ हीट द कुकर, टेक अ लिड विद हैंडल, आफ्टर द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग होल्ड द लिड एट द डिस्टेंस फ्रॉम विच स्टीम कमिंग आउट। अब इसको इनको कहना है ऑब्जर्व करिए, आपने प्रेशर कुकर में पानी लिया, उसकी विसल हटा दी, ठीक है, और कुकर को हीट किया, टेक अ लिड विद हैंडल, लिड लगा दी, फिर आपने देखा कि पानी उबल रहा है, लेकिन जो स्टीम है वो बाहर आ रही है, किससे, उस विसल से बाहर आ रही है। और स्टीम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर आफ्टर इट वॉज हीटेड, तो ये कंडेंसेशन का एक प्रोसेस है। अगर आप जो आपने वाटर वेपर को इकट्ठा किया है किसी प्लेट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, आप उसको वापस करोगे तो ग्लास में पानी के शेप में आ जाएगा। तो इसी तरह से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और वो हम पानी से ले सकते हैं। जिन इलाकों में वाटर स्कैर्सिटी है
आपको जैसे इलाके हैं अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कि वो लोग मॉर्निंग में एक नेट लगा के एटमॉस्फेयर से पानी लेते हैं, क्योंकि वो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या बेसिक समझा? आज हम लोगों ने बेसिक चीज समझी है कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी क्या है? इट्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। फिर इसको एक्सप्रेस दो तरह से करते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट एक्चुअल अमाउंट है, जबकि ये रेशियो है एब्सोल्यूट और VHC का, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम जो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज इसको रिवाइज कीजिए, इसी का टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और होमवर्क मैं आपको बता दूं क्या है, वो आज भी मैं कि वीडियो में शेयर करूंगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखनी है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिखनी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सिंप्लीफाई किया है। ठीक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द एटमॉस्फेयर। व्हाइल रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर एट द टेम्परेचर। ठीक है, बस ये दो डेफिनेशन आपको लिखनी है, इतना काम बहुत है, लेकिन इस वाले में फार्मूला भी लिखना है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।